six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots. अरे भाई दादा इधर थामा, हम ये तो अच्छा ये थामा, ओके ठीक है थामा। गाइस बहुत मस्त से चाचा मिले हमें अपन का अपने को छोड़ने भाई सीटी देगी चिट्टी इसने मारा है इसने मारा था नहीं वॉइस ओवर दे रहे थे अरे मत पीछे ना बहुत रूड हो रहे हो बैक छोड़ गई थी मोहतरमा पीछे अच्छा कितनी बारी बजाई है उन्होंने सीटी यार फिर से बजवा दूंगा फिक्र मत करो दोबारा बजवा देंगे टेस्टिंग हो जाए ठीक है सड़ाओ मूड मत सड़ाओ स्माइल करके दिखाओ तुम्हारी गलती नहीं तुम्हारी शक्ल सड़ी है लेकिन स्माइल करके दिखाओ नींद आई है मुझसे बात मत करना आप ही कर रहे हो मैं ट्राई भी नहीं कर रही हाँ मुझसे करना भी मत बात आप क्यों कर रही हो मत करो ना बात क्यों कर रही हो भाई सही में नहीं कर रही बे हाँ तो मैं भी नहीं करूँगा भाई नहीं करना अरे माफिया कैसी हो हम अच्छी हो तुम क्यों हंस रही हो मेरे जोक पे वो इसका ही है मेरे जोक पे नहीं हंसो अपना जोक क्रिएट करो माफिया बता दो अबे वो दिशा जो है इसके इसके पुराने गेमिंग हाउस से चल रही है दिशा कैसी हो ये बोलती है और फिर ये बोलता मैं तो हम तो मैं तो दिशा कैसी हो बोलता था तो वो तुमने ना बोला ठीक है ब्रो ठीक है यू आर चेंजिंग साइड्स ना डूड ओके ब्रो और तुम मुझसे बात मत करना ठीक है अब ये तो इतनी भी क्यों कर रही हो ऐसे कौन भागता है बे तुम भाग रही हो वो दूर रहो आइस तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ और मतलब माफिया भी है हमारा नेविगेटर प्लीज शो योर नेविगेशन यस थैंक यू तो नेविगेशन ऑन पॉइंट चल रही है इनकी और हमारे चाचा बिल्कुल खतरनाक अपनी मर्सिडीज दौड़ाते हुए चाचा फुल रौला काट रहे हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर चाचा सीटी एक और बार हो जाए खुद को भी सुनाई दे रही है बहुत खतरनाक चाचा है मैं तो कॉन्टेस्ट में हुई नहीं मैं बंद रूम में विसल कर लूंगा खतरनाक अरे अभी दो तीन लॉक पहले जनता फिदा हो गई थी मेरी सीटी पे अब गाना गाते हो ना अच्छे विसल पे हाँ मैं पूरा गाना बजा दूंगा विसल पे पता है वो ही तो एक टैलेंट था अपना शादी में आप ही बजा देना क्यों बजाएंगे हम ये टैलेंट मेरा छुपा हुआ था क्योंकि स्क्रीन पे ना माइक में कब आता नहीं है माइक उठाता ही नहीं है सीटियाँ हाँ तो इसलिए पता नहीं चल पाया तुम लोग अभी माइक सप्रेस कर देता है वाली चीज़ को हाँ माइक खुद सीटी मारता है तो अभी हम लोग गाइस होटल जा रहे हैं मैं तो मतलब फट गई है मेरी मेरे को चाहिए एक लंबी स्लीप मुझे सिर्फ मिल रही है
दो तीन घंटे की स्लीप मिली है सिर्फ, एक दो घंटे की और एक डेढ़ घंटे की स्लीप मिली है कल। तो अभी हम जाएंगे सीधा होटल और सीधे जाके पड़ जाएंगे, सो जाएंगे और फिर उसके बाद जब दिन में उठेंगे तब से चलेंगे। Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. भैया कितनी देर में पहुंच जाएंगे? भैया 9 मिनट लगेगा। भैया जल्दी करो। भैया भैया फोन भी चला रहे हो, ड्राइविंग भी कर रहे हो। सर क्या करें, यहाँ पे फोन का स्टैंड नहीं है, पैसा नहीं है ना सर इतना, आप लोग टिप देता ही नहीं है कि हम जो है। अरे भैया आप यूट्यूब चालू कर दो, बहुत पैसा मिलता है। अच्छा यूट्यूब पर पैसा कमा पा रहे भैया? हाँ कमा पा रहे। मेरा एक यूट्यूबर है उसने क्या सिग्नल दे रहा है? सिग्नल दे रहा है जैसे उमंग गाइस, जो पीछे चमक रहा है ना वो उमंग है। मेरा एक दोस्त सोचो, मेरा एक दोस्त यूट्यूबर, उसने एमजे एक्टर खरीद लिया। हाँ इतना आप भी छोड़ो ये सब, सुना है उसका एक दोस्त उसने पोर्श खरीद लिया। अरे वो यूट्यूबर नहीं है ना, वो यूट्यूबर नहीं है है, मतलब फुल टाइम यूट्यूबर नहीं है। तक देख लेना ठीक है। अरे यार ये उनके लिए यूट्यूबर भी काम करते ये रहे। अभी जैसे तुमने जैसे आउट्रो 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 ट्यूबर आउट्रो के लिए अलग बंदा रखा है, आउट्रो ट्यूबर। गाइस पूरे दिन के बाद सोने साने के बाद अब जो है अपन लोग निकले हैं। ठग और गोल्डी भाई तो होटल में रुक गए थे, कोई नया शूज दूसरा लेके ही नहीं आता, क्रॉक्स हम नया जॉर्डन पहन के आ रहे हैं। तुमसे किसी ने पूछा जो शो ऑफ करवा रहे हो बिना बात का? मुझे लगा कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जूते का इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। ये देखो ना भाई, ये देखो गाइस वर्ल्ड का कौन कौन है, खतरनाक मेसी नेमार रोनाल्डो। रोनाल्डो भाई नेमार भाई और मेसी भाई अपना खेल रहे हैं गाइस, इनको यहाँ पे छोड़ देते हैं। हम जरा बीच की तरफ चलते हैं। हाँ जी आपको क्या व्हाइट वन चाहिए? क्यों चाहिए आपको व्हाइट टेबल? दिखने में ज्यादा बेटर है यहाँ पे, थोड़ा हैं। अच्छा पहली बार बीच में आऊँ? पहली बार किसके बीच में आया? पहली बार बीच देख रहा हूँ। अच्छा बीच देख रहा हूँ, पहली बार देख रहे हो? पहली बार आओ पानी से मिलवाते हैं। फर्स्ट टाइम रात में नको मामा फटेगी। क्यों लेके भाग गया तू? अरे ऐसे कैसे, मेरे को स्विमिंग नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, मेरे को स्विमिंग आ जाए तो डर हट जाए, अपने को भी नहीं आती, मेरी फटती है पानी को देख के। मेरा फियर ऑफ हाइट एंड हाइड्रोफोबिया दोनों है मेरे को, बाकी कुछ नहीं, हाइट वाइट का कुछ नहीं है, खाली स्विमिंग है। हाइट हाइट की तुमसे बात करें? हाँ। तुमसे क्या बात करें हाइट का? क्या है बताओ? भाई तुम कैमरे में भी नहीं आ रही हो, तो इतना ऊपर पकड़ा हुआ है आपको खुद ही नहीं दिख रहा है कुछ। अबे तो मैं तो अपने अपने अपनी हाइट पे पकड़ा हुआ हूँ कैमरा, इतना चमकाओ भाई, पहले आंख दर्द हो रही है। कैसा आ रहा है पानी? पानी ऐसे ही आता है मेरी जान, फट रही है। आ चले, अबे चप्पल यार तुम्हें पहनना चाहिए था, चप्पल नहीं खरीदेंगे कल, आओ आगे आओ मामा ने चरपटे आओ। मतलब ये कितना रियलिस्टिक, पहली बार ऐसा, हम लोग गोवा तीसरी चौथी बार आ रहे हैं लेकिन पहली बार बीच ऐसा लग रहा है कि अपने अपने मुंह पे है ना, है ना मामा? नाइस बैग है। अरे भाई तुमने ही दे दिया था, सारा सामान भर लेती हो और उठा पाती नहीं हो। इन्फिनिटी पूल है गाइस, ये देख ना, क्या हाल है, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो? मैं कवि बन गया हूँ। सुनो तुम्हारा भाई आज रात शायर बन चुका है। हाँ मारो शायरी, तो शायरी कुछ इस प्रकार है कि समुंदर के नमकीन पानी में तुम और नमकीन हो गई हो। वावा, वावा, वावा। समुंदर के नमकीन पानी में तुम और नमकीन हो गई हो। वावा, वावा, गलत हो गया। सुबह को दाल लेकर आया था, क्या आज रात खिचड़ी बना रही हो? ओ शिट, पानी आ गया क्या तेरे को? टेबल इधर भी था, क्या हुआ? वाओ ये इतना डिले क्यों चल रहा है यहाँ पे? पिंग आई है, पिंग आई है, हाँ पिंग आई है। उसको जीप से बुझा सकता है? हाँ तुम बुझाओ, हम लोग ये वीडियो फिर शाबाश इंडिया के ऑडिशन में भेजेंगे। ये कैसे किया? जोश में बातें कर, होश में ना के मिला छोटो।
सो गाइस डिनर भरपूर किया है पूरे दिन के बाद, जो है कुछ ना खाने के बाद भरपूर अपना लॉलीपॉप, अपना ये क्या है चौमिन है, मैक एंड चीज़ जो मैंने मंगवा तो लिया था लेकिन मैंने खाया नहीं, ज़बरदस्त अपना मज़ा आया। अभी देख लो यार, सिद्ध भाई यार खाऊं ये नहीं पी रहे तुम्हारे मुंह के बराबर का है, सॉरी मेरी गलती इसमें भी खाओ 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 एक बार खाना जरा देखे किस नजाकत। सिद्ध भाई जी सुना आज बहुत स्ट्रगल मारे हो, बहुत यार क्यों? मैं फर्स्ट फ्लाइट मैंने 15,000 की बुक की, उसके लिए मैं एयरपोर्ट पे लेट पहुंचा, काउंटर बंद हो गया था, तो मैंने तुरंत 2 घंटे बाद की फ्लाइट बुक करी 12,000 की, और मैं जाके बैठ गया थोड़ा खाना खाने, मैंने देखा मेक माई ट्रिप पे कैंसिलेशन का ऑप्शन है क्या, चेक करता हूँ, मैं गया देखो, अरे फर्स्ट फ्लाइट का अभी भी कैंसिलेशन का ऑप्शन आ रहा है, कैंसिल पे जाकर बोलता 8,000 रुपये रिफंड मिलेगा, बोला 8,000 रुपये, मतलब 5 मिनट में फ्लाइट निकल रहा 8,000, मैंने तुरंत कैंसिल कर दिया, तो पता चला मैंने नई वाली फ्लाइट बुक की थी ना वो कैंसिल कर दी, फिर सीन ये हुआ कि उधर 4,000 रुपए चले गए, नुकसान हो गया, फिर मैं वापस वो फ्लाइट बुक करने गया तो उसमें सीट्स खत्म हो गए थे, तो फिर बाकी की फ्लाइट सब 25,000 की थी, तो मैं उधर काउंटर के सामने जाके ऐसे गरीब जैसे खड़ा हो गया, उनके बोला मैडम प्लीज प्लीज मैंने बुक की थी मैंने कैंसिल की, प्लीज कुछ करिए, तो उन्होंने एंड तक मेरे को रुका के रखा था कि जैसे कोई सीट खाली होगी हम आपको घुसा देंगे, दे देंगे, तो फिर मतलब टोटल 12, 14 और 4 ऐसा मेरा 30,000 रुपये चला गया। बुरा लगा। और फिर उसके बाद आपको टिकट का खर्चा लेकर आना पड़ा 30 के बाद, या 30 में हो गया? 30 में हो गया पूरा। अच्छा, मैं सुना आप पंखे वाली फ्लाइट में आए। हाँ, वो फ्लाइट देख के मेरी खत्म हो गई थी। फर्स्ट टाइम गया हूँ मैं वो फ्लाइट में, जितनी बस थी ना हम लोग को फ्लाइट तक जो ड्रॉप किया वो बस से छोटी थी वो फ्लाइट। अच्छा, धमाल मूवी में जो गोवा आते हैं ना वो लोग जिस फ्लाइट बोमन अरे मैं उतरा, मैं एस्केलेटर ढूंढ रहा हूँ, 3 कदम में चढ़ गया फ्लाइट में, 3 कदम बहुत छोटी थी यार वो फ्लाइट, बट ठीक है, खाना वाना कुछ था ही नहीं अंदर। यू हैड अ गुड टाइम यार, बट इट वाज वर्थ इट। या या वर्थ इट, वर्थ इट ना, यस, बाय द बीच, बाय द 30,000 जितना नहीं था वर्थ इट, बट ठीक है, बट आ गया, पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया, इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत। हां, कल लेके चलेंगे आपको नॉर्थ, कल मैं निकल रहा हूं रात को वापस। ले यार, आपके लिए वेट कर रहे थे सब, इसको ब्रांड डील है, ओ पैसा दे, डेजर्ट के लिए अपने पास डोसा, डोसा विद चॉकलेट सिरप है, सीआरईपी क्रिप केक बोलते हैं इसको, क्रिप केक बोलते हैं, मैं खाया हूँ। तो गाइज इंडिया में इसको डोसा विद चॉकलेट सिरप को क्रिप केक बोलते हैं, इंग्लिश में क्रिप केक बोलते हैं, और वैसे आपने डोसा बता दिया इसको। अच्छा, समझ रहे क्या? हां समझ गाइस, आज करके फोटो खींच, ये देखो मत डिस्टर्ब कर मेरी फोटो पे, मेरे को भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना, मत डिस्टर्ब कर। अरे तुम हो यार भाई, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए यार। अच्छा, ये ब्लॉग बन रहा है, ये ब्लॉग बन रहा है आपका? अरे मेरे को फोटो भी है, फोटो भी है, फोटो खींचा। अच्छा, परी हूँ मैं, मुझे ना छुओ, परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, परी, पेड़ गिर जाएगा, परी हूँ मैं, परी, परी हूँ मैं, जा तो आ रहा है राम ज्यादा। गाइस प्यारे गुल्लू ने हमारे भाइयों को पेट पूजा कराने से मना कर दिया है, मरसी खफा हो चुका है, वहाँ पे जा रहा है, उसका दिल टूट गया है, मना नहीं किया है, नहीं मना कर दिया है, मना नहीं किया, मना कर दिया, मना नहीं किया है, तो फिर 17,000 दे दो। अरे मतलब वजन वजन कम लग रहा है चीचा, मछली खाना था ना चीचा, वजन कम लग रहा है, हल्के हो गया क्या जेब, जेब हल्का हो गया क्या चीचा, उठाना पड़ेगा क्या? सुनो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए पहली बार हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें सुनो सुनो अब हुआ है, वेलकम टू एसएचयूएल, वेलकम टू एसएचयूएल, अभी और होगा ऐसा,
मुर्गी का दौरा है इसको। भैया बोलो नेक्स्ट टाइम जोकर भाई कभी वैसे डाइनिंग पे जाएंगे ना, आएंगे ही नहीं वो, टेस्ट करने के पहले बोलेंगे बिल मैंने भर रहा। हां आ रहा ही नहीं हूं कोई डाइनिंग में गया डिनर बात का। आदमी मैगी बना के खा के सो जाएगा, हमारा इधर नहीं आ रहा। मतलब अच्छा, मतलब तुम्हें भाइयों और बहनों के लिए मतलब भारी पड़ गया, मतलब तुम आओगे नहीं? अरे एक्टिंग कर रहा हूँ यार, मतलब अभी बहुत पार्टियां बची है। अरे सही में क्या मजा लू क्या मैं? और क्या चौंकने वाली क्या बात है? स्नैक्स और एक बार भरो, बताओ तुम्हें भरना। नहीं नहीं अभी स्नैक्स, बात ये अब तुम्हारी बारी आने वाली है। उनको पता चल गया है कि माँ बाबा आए हैं। मेरे को कोई नहीं जानता। किसको? मेरे को ना, मेरे को बस भाई। Nobody knows me। क्या आप लोग मुझको जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। तो बस वही है, अभी जा रहे हैं तो जॉर्ज ड्राइवर अभी लेके जा रहे हैं बच्चों को घर हिफाजत से छोड़ने के लिए। इतना तेज तेज बोलता है बे। तेज बोलता है बे। गाड़ी चला लो अच्छे से, ठीक है? मैं कुछ जा दूँ। ये आगे पीछे अंकल बैठे हैं। चलो आप ज्यादा बातें ना करिए, आप सड़क पे ध्यान दीजिए। आंटी से अंकल तो वहाँ में गुड़ू है ना। चलो समझ रहे, सेफ तो सबसे है। अच्छा पन वही होता है जिसमें तुम खुद की बेइज्जती कर रहे हो, समझ रहे? लोगों को कमबैक नहीं मिलता। हाँ। ये मैंने सीखा था उससे, एट माइल मूवी से देखी है मैंने? उसमें वो लास्ट में एक रैपर के अगेंस्ट जाता है, उसमें वो अपनी ही बारे में इतना कुछ जो है वो बोल देता है। तो रैप में क्या होता है कि आप लोग जो है मतलब, अरे जोक आया पीछे से एक छोटी का, खुद के बारे में सारी कमियां बता देता, उसकी फट जाती है, बिल्कुल चोक कर जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता। तो इट वॉज अ नाइस वन मिस्टर माफिया। अभी से 5 मिनट रह गए, हम लोग वो उस पे वेट करेंगे अभी हम फोकस करेंगे तो। चाय? चलो चाय ढूंढते हैं, नेक्स्ट स्टॉप चाय। सुनो ए, भाई क्या ही चल रहा है, चाय किधर मिलेगा? कोलवा बीच ये खोलो मामा, खोलो नहीं खुल रहा ना मेरा भी, एसी ऑफ कर दो मामा। चाय कहाँ मिलेगा? सब तो यही करके बैठे हैं। कोलवा बीच ही सबसे नियरेस्ट है। 11 मिनट्स कहाँ सी ये कोलवा बीच डाला है? हाँ तो कोलवा बीच है। गाइस घर पहुंचना तो नामुमकिन है, क्योंकि गोवा आके जाके घर में बस जाना तो कोई सेंस बनता नहीं है। और अगर हाँ मतलब भाई घर मतलब होटल, जहाँ जाके सोना होता है उसका उसको घर बोल दिया। अच्छा, सिंपली अपना हो चाहे ना हो, समझ रहे हैं? हाँ, तो अभी यहाँ पे अपन चाय पीने के लिए रुके हुए हैं और दो ऑड वन आउट है हमारे बीच में, उनको हम ठीक है जाने देते हैं। कॉफी ऑफी कुछ बोल रहे थे, पता नहीं क्या सब अनएथिकल शिट। सबके साथ मैं चाय पी लेता हूँ, नॉर्मली मामा के साथ भी मैं चाय बहुत शेयर करता हूँ, बट मशीन वाली मजा नहीं आता। मशीन है? हाँ, वही तो मैं फोन करके बोल रहा था, चाय वाली मशीन है। हाँ, मशीन वाली चाय कॉफी है, कॉफी एक बार को मशीन। क्या मजा भाऊ, तो तुमको यही तो बोला, मशीन वाली कॉफी एक बार को जमती है बट चाय कभी चाय नहीं जमती जब तक कि उसको पकाया ना। मैं खुद इधर कॉफी पी रहा हूँ। लेकिन क्योंकि अपने को जब तक कोई उसमें पत्ती डाल के ना, अच्छा वो है, अरे फायदा नहीं है। चाय कॉफी का ऑर्डर ले लो ना प्लीज। यस प्लीज टेक सम चाय कॉफी ऑर्डर प्लीज। कितना कॉफी है? कॉफी। अब क्या हो गया चाय में? अबे भाई नसों में है। हाँ नसों में है चाय, वो जहर नहीं पीना मुझे चाय नाम का। नॉर्मल एडिशन कुरकुरे। हाँ ठीक है, इस कृति का एडिशन कुरकुरे। मोटा क्यों है? हाँ मोटा क्यों है वो? स्नैक्स कर रहे पे? चलो बढ़िया है, ये पार्टी है, ये चाय कॉफी पार्टी है। गाइस कमेंट सेक्शन में बता देना, स्नैक्स जस्टिस कर रहा है हम लोगों के साथ या नहीं? फुल जस्टिस। नहीं कैश तो नहीं है भाई, वॉलेट नहीं ला। कितना कैश हुआ बता? 550। इसमें है कैश भाई? मेरे पास नहीं है। ठीक है, तू गाड़ी में बैठ कर ये ले आदि।
पैसा देकर आ जाए चाय का। जा रहा मामा यार चाय अब दे आना 17-18 साल के भक्ते भक्ते जाए भक्ते भक्ते आ जाए। हाँ हो गया हो गया ला पैसा ला पैसा ला पैसा ला पैसा ला पैसा ला पैसा ला। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो सुबह हो चुकी है एंड अभी जाके हमारी रात ओवर हुई है। इट्स टाइम फॉर अस टू गो एंड बिस्तर पकड़ के सो जाना है भयंकर तरीके से क्योंकि अब और ज़्यादा नहीं हो पाएगा। आंखें बिल्कुल गड़ गई हैं अंदर धस गई हैं सर में दर्द हो रहा है एंड सब लोग अब सोने जा रहे हैं। पीछे आवाज़ आ रही होगी बिस्तर सेट है सबके। सो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। फॉर इवन वन सेकेंड इफ़ दिस ब्लॉग चेरिश्ड यू तो मेक श्योर कि आप लोग जो है प्यारा प्यारा सा एक कमेंट छोड़ना प्यारा प्यारा सा एक लाइक छोड़ना एंड विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। शादी इवेंट खतरनाक तैयारी सब लोगों की लोग जॉट 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 लग रहे होंगे मुझे लोग देख रहे हैं। आउट्रो करते हुए मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है प्लीज़ मत देखिए मुझे प्लीज़ प्लीज़। अच्छा भाई ठीक है गाइस आप लोग मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अंटिल देन बाय बाय टेक केयर सी या मिलते हैं अगले ब्लॉग में।